जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सारा समय में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हमेशा की तरह आज भी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू आपके साथ भी इंटरव्यू करी हूँ इतने टाइम बाद। अच्छा है, आई एम ग्लैड आपके साथ पहला इंटरव्यू शुरू किया है। जी हाँ, और चूंकि आपकी फिल्म भी आ रही है Z5 पे, मर्डर एट तीसरी मंजिल। मर्डर एट तीसरी मंजिल 302 तीसरी मंजिल के नाम सुनते ही शम्मी कपूर साहब की फिल्म भी याद आ जाती है। हाँ ये भी उसी टाइप का रोमांटिक थ्रिलर है। बहुत ही डिफरेंट है, आई थिंक अपने टाइम के पहले बनी ये फिल्म टाइप थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया रिलीज में। चलो देर आया दुरुस्त आया, एटलीस्ट रिलीज हो रही है। राइट, हम पूछें, मतलब नाम से लग रहा है कि ये सस्पेंस थ्रिलर है, क्या ऐसा ही है? सस्पेंस थ्रिलर है, ये रोमांटिक थ्रिलर है। इट्स पूरी फिल्म मर्डर पे ही बेस्ड है। लेकिन आपका मतलब आप गेस नहीं कर पाओगे कि अगले सीन में क्या होने वाला है, क्योंकि आपको लगेगा अच्छा ये है, अच्छा वो है, अच्छा ऐसे है, और फिर आपको लगेगा ये तो कुछ और ही निकला। तो इतने टर्न्स है ना फिल्म में कि आप मतलब आपका दिमाग घूम जाएगा। नौशीन एक चीज हम पूछना चाहेंगे कि अपने दर्शकों के लिए भी, कि फिल्म में इरफान खान भी हैं, हाँ रणवीर शौरी भी हैं, और जो आप हैं शाहकाज, बहुत ही जबरदस्त लग रही है। इरफान खान का नाम आते ही समझ जाता है इंसान की बहुत ज्यादा अच्छी स्क्रिप्ट होगी, अच्छी फिल्म होगी। और इरफान अब हमारे बीच नहीं है, हाँ तो एक तरह का ट्रिब्यूट बोला जाए जी, इरफान के लिए ये फिल्म हम कहेंगे, आप क्या कहते हैं? यस यस। जब मैंने उनकी न्यूज़ सुनी तो मतलब मेरा दिल बैठ ही गया, बिकॉज आई वाज मैं उनकी इतनी बड़ी फैन थी, और उनके साथ जब मुझे फिल्म करने का मौका मिला तब भी वो स्टार ही थे। और इतने डाउन टू अर्थ इंसान है, इतने प्रोफेशनल इंसान है कि वो कहावत है ना, अच्छे लोगों को ऊपर वाला बुला लेता है। मुझे ऐसा लगा नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। सो इन अ वे हाँ, ये एक ट्रिब्यूट ही है उनके लिए, और शायद उनकी आखिरी फिल्म होगी फॉर द ऑडियंस। जी हाँ, जहाँ तक मुझको लगता है कि इरफान खान की आखिरी फिल्म होगी ऑडियंस के लिए, क्योंकि अभी तक कोई और फिल्में ऐसी कोई अनाउंस नहीं इरफान खान की कि कोई पेंडिंग में कोई फिल्म रह गई हो इरफान खान की। हम जी पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस था आपका नौशीन, फिल्म की शूटिंग हुई है बैंकॉक में, राइट? जी 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 तो वहाँ कैसा हमारा एक्सपीरियंस कुछ था? 40-45 डेज का स्केड्यूल था बैंकॉक में, और फिर बॉम्बे में काफी पोर्शंस किए। तो कैट एंड माउस गेम है पूरी फिल्म में। एक भाग रहा है, दूसरा चेस कर रहा है। तो लकी अली और मैं पुलिस ऑफिसर्स हैं, और वेरी करमचंद और केटी टाइप्स, और हम चेस कर रहे हैं इरफान खान को। सो दिस स्टोरी इज लाइक दैट। एंड व्हाट एन एक्टर, मतलब वो इतने एफर्टलेस एक्टर है। आप सीन जब करते हो आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि एक्टिंग करो, घूरो मत, यू नो व्हाट आई मीन। एक एक्टर के लिए एक इतना अच्छा एक्टर सामने होना, तो ऐसा लगता है कि आई एम इन ऑ ऑफ हिम। सो यार, वर्किंग विद हिम वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, लकी अली वेरी डाउन टू अर्थ, मतलब